किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ खवातीन मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो यकजहती का इजहार किस तरह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुरत अल ऐन तनवीर। आप आज कश्मीर के हवाले से यकजहती मना रहे हैं, योम यकजहती है कश्मीर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो सिर्फ एक दिन है जो कि हम हमारा यकजहती के तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन हम जब से कश्मीर 70-71 साल होने वाले हैं और जब से हम कश्मीर के साथ ही हैं, ये सिर्फ एक दिन है जिसमें हम इजहार करते हैं कि हम इनके साथ, लेकिन हम इनके साल के 365 दिन इनके साथ हैं। और इंडिया जो कर रहा है, हम उसको ये जवाब देना चाहते हैं कि वो अपनी जो हरकतें कर सकते हैं कर लें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कश्मीर को किसी भी हाल में अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हमारे बच्चे और हम सब जो है, हम अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे। और बस यही है, चाहे इससे हमारी हुकूमत को कोई असर पड़ता ही नहीं पड़ता, लेकिन हम अल्लाह के सामने गवाही देना चाहते हैं कि हम क्योंकि एक मुसलमान एक पूरे मुमले का जो है एक जिस्म की माने दे, चाहे वो कश्मीर में हो, फलस्तीन में हो या अफगानिस्तान में हो, वो एक जिस्म की माने दे। तो अगर किसी उसके किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म इससे कराता है, और हम इस बात को बहुत सॉलिड प्रूफ करना चाहते हैं इस तरह से। आप मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज हमारे मुँह से बोलने के लिए नहीं है, हमारा ये एक्ट जो है यही उसके लिए काफ़ी है। वो अपने जो कुछ करना चाहते वो करके देख ले, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी हमारी ही होगी इंशाल्लाह। अपने मुल्क के हुक्मरानों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए हम उनसे, क्योंकि वो मुसलमान हैं, हम उनसे अच्छी उम्मीदें रखते हैं। अगर किसी मुसलमान को तकलीफ मिल रही हो तो वो देखते हैं उनकी तदबीर हो जिसमें वो अपने वक्त आने पे एक्ट लें, लेकिन हम उसे अच्छी उम्मीद रखते हैं। हम उसे बिल्कुल मायूस नहीं है, लेकिन हम उसे अच्छी उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह को हिदायत देंगे और वो अच्छा फैसला करेंगे।